हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और अभी दिन का हो रहा है, दिन का क्या, शाम होने वाली है, 3 बज चुका है। और अभी जस्ट मैं लंच करके आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरा बेबी सो गया था और मैं उसी के लिए रुकी हुई थी कि वो उठेगा, फिर हम लंच करेंगे। क्योंकि अब क्या होता है ना, मेरे को भी अकेले खाने का मन नहीं करता है, हम दो ही रहते घर पे। ये छोटा सा चूहा और मम्मी, और मेरे हस्बैंड तो ऑफिस में रहते हैं, तो इसलिए मैं इसके साथ थोड़ी देर मैं भी सो गई, इसको नहलाया धुलाया और ये सो गया। उसके बाद मैं भी इसके साथ सो गई। फिर जब ये उठा तो फिर हमने लंच किया, और अभी बर्तन बुर्तन धुल के बैठी हूँ। अभी कपड़े वैसे के वैसे हैं, बाल्टी भरी हुई है कपड़ों से, बिल्कुल मन नहीं है कपड़े धुलने का। और आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज मौसम अच्छा है, आज का मौसम आजकल हमेशा अच्छा ही है, 1-2 हफ्ते से बारिश ही हो रही है यहाँ पे उत्तराखंड में, और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश है उत्तराखंड में, सॉरी। तो और अभी मैं ऐसी बैठी हुई थी, खेल रहा था, तो खेलते खेलते इसने वो अपनी अनुप्रासन की एल्बम निकाली। आजा, क्या हुआ क्या हुआ, ये देखो ये देखो देखो, हाँ ये देखो, मौसी क्या कह रही है, मौसी क्या कह रही है, हाँ गिर गए हो। और उसके साथ हंसना पड़ता, अगर हाँ करेंगे तो रोने लग जाता है। देखो देखो, आ जाओ, अभी आ जाओ, आओ मम्मी के पास आओ। तो इसने अभी एल्बम निकाली थी अपने अनुप्राशन की, या नीचे फेंक दी थी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को इसकी एल्बम दिखाई जाए। तो मैंने सोचा चलो अभी खाली बैठे हैं तो एल्बम ही दिखा दूँ आप लोगों को। इसका मैंने वीडियो बनवाया है अन्नप्राशन का, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो वीडियो, अन्नप्राशन की, हमारे यहाँ किस तरीके से अन्नप्राशन होता। अन्नप्राशन समझ लो लड़के का ऐसे होता है कि पूरी शादी होती है उसमें, मंगल स्नान सब कुछ होता है, बिल्कुल शादी की तरह होता है यहाँ पे उत्तराखंड में अन्नप्राशन। और मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी वो वीडियो। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ यार, आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है यार, फ्री का होता है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ पैसे पड़ते होंगे। एक बार आप मेरे साथ जुड़ के तो देखो यार, अच्छा लगेगा आपको भी। ये देखो लगा है रास्ते, हनी हनु हनु जरा जरा आओ, मम्मी की को आओ, आ जाओ आज छबास। बस ये शुरू हो चुका है, क्योंकि नींद तो पूरी हो गई उसकी, अब पेटू भी भरा है। हाँ ये कौन है, कौन है ये, हनी है, हाँ कौन है बाबा, ये देखो कौन है ये, हाँ से हाय हाय मौसी, हाय करो मौसलों को, हाय करो मौसलों को। अभी इसको परसों 12 तारीख से 11 मंथ लगाया, आप देख सकते हो इतना शैतान हो गया है, इतना शैतान। इसको अकेले मैं बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये इतना बिगड़ चुका है। इसने एक दिन यहाँ पे, मैंने खाली सिलेंडर रखा हुआ था, वो उस पर झूल रहा था, और उसने अचानक से वो इतनी ज़ोर से खींचा अपने ऊपर और उसके नीचे दब गया। इतना शैतान है ये, इतना शैतान, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो हाँ जी, मैं क्या कह रही थी, आप लोगों को अगर सच में मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लो, फ्री का है, ऐसा भी नहीं है पैसे पड़ते होंगे। तो अगर देखते हो आप वीडियो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। मैं भी टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ एक छोटे बच्चे के साथ, कितना मेहनत कर रही हूँ, वो भी सिर्फ अपनी एक फैमिली बनाने के लिए, एक यूट्यूब फैमिली बनाने के लिए, ताकि मैं भी अकेला अकेले बुखर हो जाती हूँ घर पे,
बच्चे हैं, बच्चे के साथ भी वो बोलने नहीं लगा रहे, तो क्या उसके साथ मैं बात करूँगी। तो मैं चाहती हूँ मेरी एक फैमिली बने, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूँ, उनसे बातें करूँ, क्योंकि मैं अभी सुबह से शाम बिल्कुल कुछ भी ना बोले परेशान हो जाती हूँ। ये देखो खड़ा हो गया, और अगर अभी खेलेगा उसमें फिसल गया तो लग गई, फिर तो हो गया। फिर ये देखो चलो, फिर जल्दी से जल्दी मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी बैटरी भी जाने वाली है, और फिर वीडियो वो एल्बम दिखाने के बाद वीडियो भी फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा बेबी का अनुप्रासन जो हुआ था वो इसके 6 मंथ में हुआ था, जब ये 6 मंथ का हुआ तो तब इसका अनुप्रासन हुआ था, 10 फरवरी को हुआ था ये। सॉरी, इन्होंने गलत डेट दी हुई है, फरवरी नहीं, 10 मार्च को हुआ था। और प्लीज़ यार आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों के वहाँ लड़के का अनुप्रासन कैसे होता है और कितने मंथ में होता है। हमारे यहाँ लड़कियों का 5th मंथ में होता है और लड़कों का 6th मंथ में होता है। तो ये देखो, इसका नाम अविरल है और हम इसको हनी बोलते हैं, हनी क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम है हरीश और मेरा नाम है नीता, तो हम दोनों के नाम से मिलके हमने इसका निक नेम रखा है हनी। तो चलो फिर एल्बम ये देखो, हनी हटो टो टो टो, यहाँ देखो, मत करो बेटा, मत करो मैंने कहा। ये हमारी कुल देवता हैं और ये हनी की दादी है, हनी के दादाजी नहीं हैं, और ये मेरे हस्बैंड हनी, ये हनी की दादी है। हनी मत करो बेटा। और ये सत्यनारायण की कथा हो रही है, बोलते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले अगर तुम सत्यनारायण की कथा करते हो घर पे तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये और हमने सुबह के टाइम ही पे करवाई थी, वैसे सत्यनारायण की कथा लोग रात को करवाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स कुछ था उस दिन पता नहीं क्या, इसलिए रात को नहीं हो पाया, तो सुबह के टाइम पे सत्यनारायण की कथा हुई। और ये है हनी की बड़ी दादी यानी कि इनकी ताई जी, और ये है इनके ताऊ जी और ताई जी, और ये सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है, इसे धोते हैं फिर इनकी पूजा होती है। और ये जो है वो मेरी मम्मी है, ये मेरी चाची जी हैं, मेरे अपनी चाची, और ये इनकी मामी जी है, और ये पीछे मेरी ताई जी है, ये मेरी अपनी मामी है, ये मेरी दूसरी मामी है, ये हनी की बड़ी बुआ है, हनी की 3 बुआ है, और ये 2 नहीं आई थी, एक की उसी टाइम पे डिलीवरी हुई थी और दूसरी उनके बच्चों के पेपर चल रहे थे इसलिए वो नहीं आ पाई। और ये देखिए हमारे वहाँ मंगल स्नान सबसे पहले बच्चे की माँ देती है, फिर नानी, और ये देखिए हनी कैसे देख रहा है कैमरे को, और ये हनी की अपनी दादी है और ये बड़ी दादी है, ये मेरी जेठानी है, ये भी मेरी जेठानी है, और ये मेरी ताई जी हैं, ये मेरी मामी जी हैं, इनके बारे में अब बाद में बताती जाऊंगी आगे के ब्लॉग में। और ये मेरी बड़ी दीदी है मतलब इनकी ताई की लड़की, और ये मेरी मामी सास हैं, ये मेरी चाची हैं, और ये मेरी मामी की लड़की है, इन मामी की लड़की, ये मेरी बड़ी दीदी है, इसकी बुआ, और ये पता नहीं कौन है इनके, और ये सारे रिश्तेदार, ये इनकी चाची जी हैं, मेरी चाची सास, ये मेरे चाचा ससुर हैं, और ये मेरी बड़ी दी के हस्बैंड यानी कि इनकी ताई की लड़की के हस्बैंड, और ये मेरे पापा हैं,
ये मेरे जेठ जी हैं, इनके मामा के लड़के, ये मेरे मामा जी हैं और वो मेरे जेठ जी हैं और ये मेरा देवर है परिवार के, ये मेरे चाचा जी, ये मेरा भांजा, ये मेरा अपना भाई और ये है मेरा अपना देवर, और ये मेरा बेटा है, वो मेरा भांजा, वो मेरा देवर, ये मेरा अपना देवर है, इनका अपना भाई, ये देखो हनी को नहला दिया है थोड़ा नहाते टाइम रोया, नहीं तो खुश था बिल्कुल। ये फिर आरती हो रही है जैसे शादियों में होती है आरती, ये देखो हमारे इधर पैसों की माला डालते हैं, बोलते हैं कि दूल्हा बन गया है। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के वहाँ किस तरीके से और कैसे होता है, और बच्चों का अनुप्राशन कितने, लड़के का अनुप्राशन कितने मंथ में होता है। और ये देखिए मामा ने उठा दिया दूल्हे को और अब लेके जाएंगे जहाँ अन्न चखाई होती है, जहाँ पे खाना खिलाया जाता है बच्चे को, ये देखो ये सबसे पहले मैंने चखाया, फिर बुआ ने, इसकी बुआ ने, फिर मामा ने, ये देखो ये मेरी मम्मी, ये मेरी दीदी, इनकी, इसकी बुआ हनी की, ये मेरी बहन, खत्म। और ये हमारी फैमिली, एक छोटी सी फैमिली। तो हाँ जी, अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। और प्लीज़ यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरी वीडियो खोल के देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, पैसे तो पड़ नहीं रहे, फ्री का सब्सक्राइब हो रहा है। आप अगर चाहते हो कि मैं आपकी फैमिली का एक मेंबर बन जाऊं, मैं अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहती हूं और आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूं। क्या है ना, आप लोग मेरे वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और थोड़ी सी देख रहे हो और बंद कर दे रहे हो। आप पूरी नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने वीडियो अच्छी बनाई है, ख़राब बनाई है? और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हो कि आप अच्छी वीडियो नहीं बना रहे हो, या फिर अनलाइक कर दो, फिर मेरे को लग जाएगा कि मैं अच्छी नहीं बना पा रही हूँ, मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। और आप देख सकते हो मैं इसे छोटे बेबी के साथ ये मेहनत कर रही हूँ, अभी फर्स्ट टाइम है। तो प्लीज़ यार, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, एक तो सब्सक्राइब करिए, एक भी नहीं आता, जब मैं दिन भर से देखती हूँ एक भी सब्सक्राइब नहीं आता है तो मेरा दिल टूट जाता है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं छोड़ दे, क्यों बना रही है, क्यों लगी है उसके पीछे, मत कर, रहने दे, नहीं बना पा रही है तू, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो चला जा रहा है। तो प्लीज़ यार, मेरा कॉन्फिडेंस मत जाने दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, एक तो सब्सक्राइब बनता है, दिन पूरे दिन में एक सब्सक्राइब तो होना चाहिए यार, जब एक भी नहीं आता तो मैं होपलेस हो जाती हूँ और मन करता है कि अब ना बनाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ कैसे करके होता है अनुप्राशन और कितने मंथ में होता है लड़कों का, ज़रूर बताना। और ये देखो, चलो मैं इससे मिलाती हूँ, फिर बाय करते हैं हनु। हेलो छे, हेलो, यहाँ देखो मौसी क्या बोल रही है, मौसी कह रही है बाय बाय, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय, बाय कर दो बेटा, बाय कर दो। और वो बाय करने वाला है नहीं क्योंकि लगा है वो कागज़ चबाने में और कागज़ ना खा दे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।